हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सीबीएसई की तरफ से ये ब्रोशर है जो क्लास इलेवेंथ का आया है। इसमें यूनिट वन है नंबर थ्योरी एंड प्राइम नंबर, देन रेशियो प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम्स, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। यही मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट 5 यूनिट्स बताए थे। इसमें यही लिखा है कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा इसमें और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। एंड नंबर थ्योरी में देखो, प्राइम नंबर्स में ये सब टॉपिक्स भी मेंशन है। स्टैट्स का बहुत डेप्थ में है थर्ड यूनिट पूरा। सेट थ्योरी भी है, देखो ये मैंने सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, बिकॉज ये बेसिक्स है, ये कोर मैथ्स में भी स्टार्टिंग है, तो मैंने सेट थ्योरी से स्टार्ट किया था। तो आप इसमें देख सकते हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब मैं नेक्स्ट में इक्वल सेट, सबसेट्स, पार सेट, ये सिर्फ आपको डेफिनेशंस जानने की ज़रूरत है और कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। मैंने आपको सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म करा दी थी। फाइन, सो ये 8 मार्क्स का आएगा। सेकेंडली, इसमें लॉगरिदम्स का भी बहुत अच्छा डेप्थ है फर्स्ट यूनिट में। मैं आपको अभी 5th यूनिट कंप्लीट करा रही हूँ। फाइन, ट्रिग्नोमेट्री आपने काफ़ी हद तक पढ़ रखी है 10th में, बट इससे डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा। ये इस सर्कुलर का ये मैं लिंक दे दूंगी, इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मेरे साथ साथ यूनिट 5 कर रहे हैं हम। ये टेक्स्ट बुक आ चुकी है सीबीएसई की तरफ से, जो 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा वो इसी में से आएगा और इसके इन डेप्थ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की लिस्ट मैं दिया करूंगी आपको, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्कुलर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसका। सीबीएसई की मेन साइट पे जाके ये लिंक आएगा। यूनिट 4 में कमर्शियल मैथमेटिक्स में सीपी, एसपी, ये सब प्रॉफिट लॉस ये सब है, बहुत इजी है। कॉमर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है मैथ्स, आप इसको परस्यू कर सकते हैं। यूनिट 5, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सेट्स, फर्स्ट 2 वीडियोस जो बनाई थी सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, इसके अकॉर्डिंग है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो यूनिट 5 है सेट थ्योरी, जिससे हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें पहला टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। इसमें 2 फॉर्म्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर। इसमें मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एंड मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन मेल मी एट एनी टाइम। जो सब मैं ये पढ़ा रही हूँ, जो सीबीएसई की पीडीएफ आई है अप्लाइड मैथ्स को लेके, उसमें से ही है सब, एवरी क्वेश्चन। ये सब कुछ अप्लाइड मैथ्स के बच्चे को का स्टैंडर्ड देखते हुए, एंड कॉमर्स के लिए अप्लाइड मैथ्स बहुत अच्छी है टू ग्रो योर माइंड। ये पीडीएफ जो है बहुत शॉर्ट में है, इसको हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज नहीं दी है इसमें कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। सो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा सॉल्विंग करनी पड़ेगी।
सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्लियरली हमारे पास फाइव एलिमेंट्स हैं. हम देख पा रहे हैं कि 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5. सो हाउ कैन वी राइट एक्स इज 2. एक्स इक्वल्स टू 2n, 2 की पावर्स चल रही हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू. एंड n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक. फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में यू कैन पोस्ट इट. फाइन, इसके बाद मैंने आपको एम्प्टी सेट पढ़ाया था. एम्प्टी सेट इज अ सेट जहाँ पर कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता. फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस एम्प्टी ब्रैकेट्स. एग्जाम्पल लें इसका एक. एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3. इज देयर एनी नंबर विच बिलोंग्स टू दिस? वो कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है और एक्स एक नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नो. सो इट विल बी 5 और यू कैन से एम्प्टी ब्रैकेट्स. सिमिलरली एग्जांपल, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज -1. एक्स रियल भी है और एक्स स्क्वायर -1 है. लेट अस सॉल्व एक्स स्क्वायर -1. वी नो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इज एक्स माइनस टू, सॉरी, एक्स माइनस रूट ऑफ 1. सो इज इट पॉसिबल? नॉट अ रियल नंबर. Fine, you need to say it's not a real number. और x की condition थी कि x एक real number है. Real number तो नहीं है अब ये. So 5 element. So अब हम इसी में single to n set पढ़ रहे हैं. इसी PDF से सब कुछ लिया जा रहा है. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ कि ये कुछ एक्स्ट्रा है. दीज आर ओनली द बेसिक्स. सिर्फ CBSE की गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए ही ये सब कुछ लिया जा रहा है. सो अब सिंगल टेन सेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो. इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट. एग्जाम्पल लेंगे. ये क्या है? एक सिंगल टन सेट. सिर्फ इसमें एक एलिमेंट है. जो एलिमेंट कौन सा है? 0 इज द ओनली एलिमेंट इन दिस सेट. फाइन. दूसरा क्वेश्चन, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स स्क्वायर 4 भी है. स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करते हैं. पहले पहली कंडीशन क्या है हमारी? नेचुरल नंबर. दूसरी ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. एक्स कैन बी +-2. एक्स कैन नॉट बी -2 बिकॉज एक्स इज नेचुरल नंबर. सो एक्स हैज टू बी 2. फाइन. सिंस 2 इज द ओनली एलिमेंट
सो इट इज सिंगलटन सेट। फाइन, ये सब कुछ आप साथ साथ अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करते रहो, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं सारे एग्ज़ाम्पल्स उसी पीडीएफ में से उठा रही हूँ, और इसका एक एक एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, मैंने पेज 2 तक कवर कर दिया है, 2.5 तक। सिंगलटन सेट पेज नंबर 3 पे है इस पीडीएफ में, यूनिट 5 में। सो ये आप साथ साथ करते जाइए, बहुत इजी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।